हंसा, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं मैडम, आप इस वक्त यहाँ? संक्रांति के मौके पर हॉस्टल की छुट्टी है, सब अपने अपने गांव जाने वाले हैं, नर्स भी नहीं रहेगी। तुम नहीं आई हो ना, इसलिए तुम्हें पहले बता रही हूँ। मतलब यहाँ कोई नहीं रहेगा? कोई नहीं रहेगा। क्यों बेटी, तुम्हारा अपना कोई नहीं है क्या? वो एक्चुअली मेरा कोई नहीं है। हंसा, हंसा, आई एम वेरी सॉरी बेटी, ये चार दिन तुम कहीं एडजस्ट कर लो, यहाँ हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते बेटी। हंसा मेरे साथ गांव जाएगी मैडम। वेरी गुड, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अपने आप को कभी अकेली मत समझना, ये फ्रेंड हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। थैंक्स तारा। मैं रेडी हूँ, तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? हाय, संदीप भी आया है। हाय। ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? चार दिन संदीप के बिना कैसे रहोगी, यही सोच रही हो क्या? सॉरी यार, संदीप ने सडनली ऊटी का प्लान बनाया है, वो भी मुझे सरप्राइज देने के लिए। गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। इसीलिए तू भी ये चार दिन के लिए कहीं और जाएगी प्लीज। Hey, it's okay. मेरे बारे में मत सोच, तू जा, have a nice trip. Thanks. तू बुरा नहीं मानेगी, मुझे पता था, मेरी अच्छी हंसा। Bye. Bye. Bye, हंसा। Bye. यूएस का वीजा मिल चुका बस, है बस। अगले हफ्ते इस वक्त वहां रहेगा। संजू क्या हुआ? हंसा की याद आ रही है चाचा जी। उसकी याद क्यों आ रही है जानता है बेटा? क्योंकि तू उससे प्यार करने लगा है। ये बात वो समझना ही नहीं चाहती। तू कहे बेटा तो हंसा से बात करें। नहीं, आखिरी बार मैं खुद ट्राई करूंगा। हंसा मैडम के लिए क्या? हाँ, ये मत कहना कि टाइम खत्म हो गया, ये लो रखो। सॉरी सर। सर टाइम खत्म नहीं हुआ, आप लेट हो गए हो। हंसा मैडम यात्रा के लिए बस पकड़ के निकल चुकी हैं। कब? बस यूं समझिए कि बस ने राइट टर्न लिया होगा और आपने लेफ्ट टर्न लेकर सीधे यहाँ आ गए हैं। हंसा!
हंसा आंखें खोलो हंसा। जल्दी आपने मेरी बेटी की जान बचाई। अरे देखिए बताइए ना कैसे हुआ। मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। उन हालात में जो भी होता है। संजय चीफ सर्जन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बुलाया है। थैंक्स। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके ब्रेन में ब्लड जम चुका है। 12 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसके लिए खतरा होगा, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। बाय द वे आप उनके कौन हैं? करीबी रिश्तेदार हूँ। ओह देन इट्स ऑल राइट। ये ऑपरेशन स्पेशल सर्जन को बुलाकर करना पड़ेगा, इसमें 7-8 लाख का खर्चा हो सकता है, आप उसकी तैयारी कर लीजिए। ओके। मिस्टर संजय ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, 1 घंटे में उनको होश आ जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ऑल राइट। संजय तुमसे प्यार वाकई नहीं करता तो वो इतना रिस्क नहीं लेता हंसा। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उसने बहुत सारे लोगों को बचाया है। मुश्किल में चाहे जो भी हो मदद करना उसका नेचर है, बस यही बात है। वो मुझसे प्यार नहीं करता है। उसके प्यार को समझने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए हंसा। हंसा तुम्हारा मेजर ऑपरेशन हुआ है। जानती हूँ। और ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ जानती हो? कल शाम को मेरे वॉइसमेल पर संजय का भेजा मैसेज सुनो, तुम सारी बातों को जान जाओगी। माया तुम मेरी इकलौती दोस्त हो जो मेरे मन की बात जानती हो। जिंदगी और मौत के बीच लड़ने वाली हंसा को बचाने के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। मेरी जानकारी के सारे लोगों से मैंने रुपए मांगे लेकिन इतनी जल्दी कोई भी देने को तैयार नहीं है। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हाँ मामा जी आप कहेंगे तो लक्ष्मी मान जाएगी। मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ। देर से ही सही पर बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा। अब देर कैसी, चलो तुरंत शादी की तैयारी करते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? लक्ष्मी से शादी के बाद आप बगीचा जगह खेत और पैसा सब देने वाले थे ना? वो सब मुझे नहीं चाहिए। उसके बदले अभी इसी पल मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, यही मेरी शर्त है। बहुत ही खुशी की बात है, अब तो तुम्हें इंसान को पैसे की जरूरत होती है, पता चल गया ना। उसी पैसे से हंसा की जान बचा पाया। हमेशा मुझे चाहने वाली हंसा मुझसे नफरत क्यों करने लगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके मन में मैं जबरदस्ती प्यार पैदा नहीं कर सकता, ये भी जानता हूं। माया प्यार का मतलब अपने मनपसंद इंसान को पाना ही नहीं होता, अगर जरूरत हो तो उसकी खुशी के लिए उससे दूर भी रहना चाहिए। मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि हंसा जब तक जिए हमेशा खुश रहे। कल गांव में मेरी शादी है, हो सके तो जरूर आना। प्यार के लिए बहुत लोग बहुत कुछ त्याग देते हैं लेकिन संजय जैसे जिंदगी को त्यागने वाले बहुत कम मिलते हैं। प्यार कुछ मांगता नहीं बल्कि देता है, इस बात को अच्छी तरह से किसी ने प्रूव किया तो वो संजय है। इतने अच्छे इंसान है उसके प्यार को खोने वाली तुम मोस्ट अनलकी गर्ल हो। आई एम सॉरी टू सी। 1 घंटे में उसकी ट्रेन जाने वाली है, मैं जा रही हूँ। बाय।
हंसा, हंसा, it's okay, it's okay. मुझे जाना है. कहाँ? मुझे जल्दी जाना है. लेकिन कहाँ? हंसा, हंसा, हंसा रुक जाओ. अभी तक संजय आया नहीं. चलो ट्रेन आ गई. हैदराबाद से रॉयल सीमा जाने वाली गाड़ी एक नंबर प्लेटफॉर्म से निकलने वाली है. गांव की रहने वाली, लेकिन जो इंसान मुझे प्यार नहीं करता उसके साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती. हम दोनों को तकलीफ देने वाली ये शादी आखिर क्यों करना चाहते हो? बिना प्यार की शादी मैं नहीं कर सकती. चलिए पापा,